सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पिज़्ज़ा बनाने का तरीका देखेंगे। मैंने आपको पिज़्ज़े की डो बनानी सिखाई थी, उसका लिंक नीचे चल रहा है। अगर आप पिज़्ज़े की डो बनाना चाहें तो वो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने पिज़्ज़े की डो का जो आटा बनाया था उससे मैंने ये पिज़्ज़े की ये जो मैंने मोल्ड में डाल ली है, ये मैंने पिज़्ज़े को जैसे आपने इसको रोटी की शक्ल दे के और मोल्ड पे आपने डाल लेना है इसको। ये देखें, मैंने यहाँ से हल्का हल्का प्रेस डाउन करके थोड़ा सा इसकी शक्ल इस तरह बना ली है। जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो मैंने ये पिज़्ज़ा की जो सॉस है ये ले ली है। ये भी मेरी होममेड है, आप नीचे लिंक चल रहा होगा इसका, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कैसे बनाएंगे। चीज़ लेंगे इसके लिए, चीज़ आपकी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद चिकन है, ये चिकन जो है ये भी मैं आपको अभी इसी के अंदर ही बताऊंगी कि ये कैसे हमने चिकन बनाना है मैरिनेट करके। अब पिज़्ज़े के लिए हमने जो चिकन मैरिनेट करना है ताकि चिकन को हम फ्लेवर दें, उसके लिए हमने 250 ग्राम्स जो है चिकन ले लिया और ये बोनलेस चिकन पीसेस मैंने कर लिए। मैंने ज़रा छोटे पीसेस किए, मुझे अच्छा लगता है, आप थोड़े से बड़े भी रख सकते हैं इससे। उसके अलावा हमने इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर डालना है, मैंने आधा चम्मच लिया है, आप अपने जो हिसाब से ले लें। नमक जो है वो मैंने बिल्कुल क्वार्टर लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हम लोग ज़्यादा नमक पसंद नहीं करते इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये मैं एक चम्मच इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा आप सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये मैंने ऑयल लिया है, ऑयल आपने मतलब दो चम्मच ले लें, छोटे जो टेबल स्पून है। और अब इसको मैं आपको तल के दिखाऊंगी, तलाई करके हम रख लेंगे, फिर हम इसको पिज्जे के ऊपर इसकी डो लगा के फिर इसको सेट करेंगे। जैसे मैंने 20 मिनट के लिए कुक की है और ये बिल्कुल अब जो है ये गल चुका है, अब मैं इसको उतार के रखती हूँ। उसके बाद इसके अंदर कोई सी भी सब्जियां जो आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। मैं आज वो इस्तेमाल कर रही हूँ जो घर में अवेलेबल थी मेरे पास। हम अनियंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज का, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, टमाटर का इस्तेमाल करें। आज हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे बल्कि हम सब्ज जो है ये मिर्च जो है ये इस्तेमाल करेंगे कटी हुई। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे।
अब ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। अब मैं ओवन को प्रीहीट करती हूँ और फिर हम इसको ओवन में रख देंगे। ये मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया 200 डिग्रीज पे और 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर पिज्ज़ा डाल देने लगी। अब मैं इसको ओवन में डालने लगी हूँ। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट ओवन में रख दूंगी और उसके बाद मैं इसको देखूंगी कि ये पका है कि नहीं। बिल्कुल रेडी लग रहा है, मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। पिज़्ज़ा तैयार है, ट्राई करें, मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। सब चीज़ें मोस्टली वही थी जो घर पे अवेलेबल होती हैं, सिर्फ आपको चीज़ बाज़ार से लानी पड़ेगी। आपको फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।